भारतीय धर्म दर्शन, हमारे भारत के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन आज स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाए जाते हैं। पुराने समय के अंदर धर्म और दर्शन एक साथ ही गिने जाते थे, उसका नाम धर्म था। लेकिन ज्यों ज्यों वैज्ञानिकता बढ़ी, ज्यों ज्यों ग्लोबलाइजेशन हुआ, त्यों त्यों धर्म का दायरा बढ़ा, दर्शन का दायरा बढ़ा, तो उन दोनों को अलग अलग कर दिया। दर्शन को फिलोसॉफी कहा जाता है और धर्म को रिलीजियन कहा जाता है। दोनों का आपस में समन्वय होता है। पहले किसी धर्म की फिलोसॉफी बनती है, उसका दर्शन बनता है, और उस दर्शन के अनुरूप ही वो धर्म जो है ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा और चरित्र मीमांसा इत्यादि मीमांसाओं के माध्यम से उस धर्म को जिया जाता है। तो धर्म दर्शन जो है, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग धर्म होते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति में कहें या हमारे संविधान में कहें तो हर नागरिक को अपना धार्मिक जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, दर्शन को स्वीकार कर सकता है, और उसके अनुरूप वो अपना जीवन जी सकता है। और धर्म है सबको जोड़ता है। धर्म का जो मूल तत्व है, सेंट्रल पॉइंट है, वह आत्मा है और वह अहिंसा है। और जहाँ पर अहिंसा और आत्मा होती है, वहाँ कोई अनैतिक कार्य नहीं होता है। सारे नैतिक कार्य होते हैं और वहाँ अच्छाइयाँ होती है, वहाँ गुडनेस होती है। इसीलिए अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो अच्छे धर्म दर्शन का जो हमें स्टडी करनी चाहिए, उस धर्म दर्शन को जीना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं एक अच्छे धर्म दर्शन को जिएगा और उसके समूह से जब समाज बनेगा, तो वह बहुत ही अच्छा देश बनेगा।